हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्मा अर्निंग क्लासेस। दोस्तों, आज वैसे तारीख है 7 नवंबर 2020, बट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ 6 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पे कल जो है इंटरनेट सेवाएं बंद थी। गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसलिए यहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद थी। इसलिए 6 तारीख की करंट अफेयर की वीडियो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय नीति भाषण कहाँ पर शुरू होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र, जिसका आप मैप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी हाल ही में 3 दिवसीय नीति जो है वो 3 दिवसीय नीति भाषण जो है वो शुरू होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है आप सभी को पता है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है, और वहाँ पे अभी हाल ही में 3 दिवसीय नीति भाषण शुरू किया जाएगा। ठीक है, और ये आयोजन जो है वो स्पीच के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल फ्री एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है असम। जी हाँ, असम के अंदर टोल फ्री एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर राज्य में शुरू किया गया, असम राज्य में। ठीक है, ये जो आप जो मैप देख रहे हैं, ठीक है, ये मैप किसका है? ये मैप है असम राज्य का। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर उसकी राजधानी है। और असम के अंदर अभी हाल ही में टोल फ्री एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर किया गया है, जो कि 6th to 10th क्लास तक अनिवार्य होगा। ठीक है, 6ठी से 10वीं कक्षा तक के बच्चे उस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर हेल्प मांग सकते हैं। किस विषय की? अपने विषयों की हेल्प मांग सकते हैं, सब्जेक्ट्स की, या फिर आपको मनोवैज्ञानिक उलझन है तो मनोवैज्ञानिक उलझन से भी आप उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, और वो टोल फ्री नंबर क्या है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-345-3578। ठीक है, 1800-345-3578। ठीक है, ये जो है वो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जिसके तहत असम राज्य के अंदर बच्चों को एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि 100%। ये जो आप जो मैप देख रहे हैं, ये है तमिलनाडु का मैप, और तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही के अंदर जो है 100% छूट दी है। ठीक है, कहाँ किस पे छूट दी है? ई वाहनों पर, जो इलेक्ट्रिकल वाहन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स होते हैं, उनके ऊपर 100% कर में छूट दी है। इसकी वजह से, तमिलनाडु सरकार की वजह से, इस फैसले की वजह से वहाँ पे तमिलनाडु में ई वाहनों की जो बिक्री है वो काफ़ी बढ़ोतरी में दिखाई दे रही है। ठीक है, लोग ई वाहनों को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं है, कर नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 100%। तमिलनाडु की राजधानी की हम बात करें तो क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ये ल्यूक क्रोन की। ठीक है, जो जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, ल्यूक क्रोन की को अभी हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, ल्यूक क्रोन की जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, क्रिकेटर। ठीक है, और अभी इन्हें हाल में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, और ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो किसकी है? ल्यूक क्रोन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस स्टार का निधन हो गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि फराज खान। जो आप ये लोगो देख रहे हैं, ये मेहंदी मूवी का लोगो है, और ये जो एक्टर थे, ठीक है, ये जो एक्टर थे और ये एक्ट्रेस रानी मुखर्जी हैं, तो एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ काम कर चुके कौन? फराज खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1996 में डेब्यू स्टार्ट किया था, मूवीज़ डेब्यू उन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1996 के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था, और अभी हाल ही में नवंबर 2020 में उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, फराज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क कर सकते हैं। निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो आप जैसा जानते हैं, जो बाइडन, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, जो बाइडन, अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसके अंदर जो बाइडन ने राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और ये जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब मतलब हो चुके हैं, जो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, और जे बाइडन, अभी जो टक्कर थी वो इनकी थी, ठीक है, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड जो है वो किसने बना लिया है? जो बाइडन ने बना लिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि जो बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दो। जी हाँ, 2 प्रस्तावों को, 2 proposals आर एक्सेप्टेड। ठीक है, 2 proposal जो है, 2 प्रस्ताव जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में परमाणु निरस्त्रीकरण के 2 जो प्रस्ताव वो समित कर लिए गए हैं, वो स्वीकार कर लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व वन जीव कोष WWF का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ठीक है। तो WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी कि 30। जी हाँ, भारत के 30 शहरों में आने वाले टाइम कब, 2050 तक क्या है जो पानी का संकट है वो होगा, ठीक है। इसके अंदर दिल्ली सबसे ऊपर की कैटेगरी में चल रहा है, और इसके तहत WWF ने रिपोर्ट जारी की कि आने वाले सालों में काफ़ी करोड़ों लोगों को पानी की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने सोल्यूशन दिया कि जो आर्द्र भूमि है उसका यूज़ करना सीखें, ठीक है। आर्द्र भूमि का यूज़ करना अनिवार्य बताया है, ठीक है, किसने, वर्ल्ड वाइड फंड ने। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, उससे पहले गाइस आज की वीडियो टारगेट है 20+ views 10+ likes, कोई ज़्यादा नहीं है, आप करा सकते हैं। अमेरिका ने किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ताइवान। जी हाँ, ताइवान को अभी हाल ही में अमेरिका ने 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है, और ऐसा देश की इंटरनल सिक्योरिटीज़ को मामले में ध्यान को रखते हुए ऐसा किया गया है। तो 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन को बिक्री के मंजूरी देगा, ठीक है, तो वो अमेरिका ने ताइवान को दी है। इससे अमेरिका और ताइवान इन दोनों के बीच जो पारस्परिक जो सुरक्षा के जो संबंध है, मैत्रिक संबंध है, वो उनमें बढ़ावा होगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।